एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के हम जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे हैं पहले हमारे क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस से, सो लेट्स सी। ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आई रियलाइज दैट माय फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका फ्रेज क्या है, इसमें आपका फ्रेज है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। लुकिंग ऐसी चीजों को लिए देखना, ऐसी चीजों को ढूंढना जिन जो एक्चुअली में है भी नहीं लेकिन आप ढूंढ रहे हो, आप हर बात को पकड़ रहे हो, इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ऑलराइट, अगला है हमारा, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू एनिमीज, टू गिव एनकरेजमेंट अपने दुश्मनों को भी जो है एनकरेज करना। ठीक है, अगला है आपका, द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। तो इसका मतलब क्या है, ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई का मतलब क्या है, टू अपोलोजाइज, माफी मांगना, जो किंग है उनसे जो है माफी मंगवाई गई थी। ओके, अगला, ही वॉज गिवन हॉब्सन्स चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे आपका वर्ड है हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है, नो रियल चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस है ही नहीं, दिखाने को तो आपके सामने दो चॉइस रख दिए गए लेकिन वो कोई चॉइस नहीं है, वो मतलब ही नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी चूज कर लो, होना वही है जो होगा। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। All right. अगला, he has a very nice manner, but you would better take what he says with a grain of salt. Grain of salt. यहाँ पे grain of salt हमारा idiom है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है to listen to something with considerable doubt. जो भी बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन हमेशा थोड़ा सा doubtful रहना कि जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा. All right. अगला, he didn't tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them. Again, यहाँ पे फिर से आ गया आपका reading between the lines. इसका मतलब क्या है? Understanding the sense rather than actual words. ठीक है? Understanding the sense rather than actual words. मतलब कि बोल तो जो रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन जो है हम जो है उससे ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच रहे हैं, बातें नहीं देख रहे हैं कि क्या फीलिंग्स वो बता रही हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, अगला, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या होता है, इररेगुलरली, कभी करती है कभी नहीं करती है। ऑलराइट, अगला, आई कैन नॉट पुट अप विद योर मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। यहाँ पे आता है आपका पुट अप। पुट अप का मतलब क्या है? पुट अप का मतलब है टॉलरेट, पुट अप का मतलब है सहन कर पाना। Alright, अगला है, I did not mind what he was saying, he was not talking through his hat, he was not talking through his hat, talking through his hat का मतलब क्या है, talking through his hat का मतलब क्या है, he was only talking through his hat का मतलब है, वो सिर्फ बकवास कर रहा था, वो सिर्फ nonsense बोल रहा था। Alright, अगला, he is so furious that he could go through fire and water to revenge himself on his foe. On his foe. तो यहाँ पे आपका idiom है fire and water. यहाँ पे आपका idiom है fire and water. मतलब he could undergo any risk. वो कुछ भी खतरा लेने को तैयार है कि वो सिर्फ अपना बदला ले पाए. All right. अगला है आपका antonym. Antonym में आपका पहला है survival. Survival का मतलब है survive करना. ठीक है? Survival का मतलब है कि survive करना, कि जिंदा रहना. Alright, अब यहाँ पे antonym पूछा, opposite पूछा है, तो इसका मतलब होगा extinction. Extinction के मतलब, extinction का मतलब जैसे dinosaurs extinct हो गए हैं, dinosaurs आज हमें जो है कहीं भी नहीं मिलते, तो वो क्या है, extinct है. Alright, अगला है insert. Insert का मतलब है add करना कोई चीज, तो इसका opposite होगा extract, कोई चीज निकाल लेना. डिपिक्ट का मतलब है कोई चीज एक्सप्लेन करना, डिफेम का मतलब है किसी की बेइज्जती करना, और एनहांस का मतलब है कोई भी चीज को और ज्यादा ऊपर उठाना, और ज्यादा उसको जो है एनकरेज करना. ऑलराइट, अगला है इनकॉन्ग्रुएस. इनकॉन्ग्रुएस का मतलब क्या है? इनकॉन्ग्रुएस का मतलब है स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस. मतलब बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी
आपको अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा हारमोनियस। इसका ऑपोजिट है हारमोनियस। क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब है कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब है मैं बोलती कुछ हूँ करती कुछ और हूँ, तो उसको हम जो है हम कॉन्ट्रडिक्टरी बोलते हैं। इल मैच्ड का भी वही मतलब है कि बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हो दो चीजें, कोई कुछ बोल रहा है और करता कुछ और है ना, या आपके सामने कुछ है पीठ पीछे कुछ और है, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ऑलराइट, अगला डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब क्या होता है? डिमेंटेड का मतलब है बहुत ही पागलों जैसा बिहेव करना, बहुत ही पागलों जैसा बर्ताव करना। इसका ऑपोजिट क्या है? सेंसिबल, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बिहेव करना। ऑलराइट, अगला है इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू का मतलब है बिना बिना कोई प्लानिंग के जैसा तुरंत तुरंत कुछ चीज एक्ट आउट करना या तुरंत तुरंत कोई डिसीशन लेना, उसको बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट है प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब है कि कोई चीज कोई डिसीजन कोई एक्शन के बारे में अच्छे से सोच समझ के जब किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमेडिटेटेड। प्रॉम्प्ट का मतलब है अगेन आप बिल्कुल तुरंत तुरंत कुछ हो रहा है और तुरंत तुरंत एक्शन ले रहे हो। फोर्स्ड का मतलब है किसी को फोर्स करना। एंड इनऑर्डिनेट का मतलब है कुछ भी जो है ऑर्डिनेटेड नहीं, कुछ भी जो है प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है। ऑलराइट, अगला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है कि बिल्कुल भी फ्रेंडली ना होना, ठीक है, तो उसको ऑपोजिट होगा फ्रेंडली, ठीक है। अगला है आपका ब्रेथ। ब्रेथ का ऑपोजिट है नैरोनेस। ये सभी को पता है ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ा होना, तो चौड़ा कोई चीज चौड़ी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? पतला सा नैरो होना, है ना। अगला है टिमोरस। टिमोरस का मतलब क्या है? टिमोरस का मतलब बताइए। टिमोरस का मतलब है कि बहुत ज्यादा घबराए हुए व्यक्ति, बहुत ज्यादा घबराना, नर्वस होना, उसको बोलते हैं हम टिमोरस। नर्वस होने को बोलते हैं हम टिमोरस, ठीक है। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है बोल्ड। ऑपोजिट है आपका बोल्ड। अगला है सबलाइन, ठीक है। अब अगला है आपका सबलाइन। सबलाइन का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा जो है हाई क्वालिटी का होना, बहुत ही जो है हाई क्वालिटी की अच्छी चीज होना। उल्टा होगा आपका ल्यूडिक्रिस। ल्यूडिक्रिस का मतलब है बिल्कुल फालतू की चीज होना, ठीक है, फालतू की बातें करना, फालतू के काम करना, उसको जो है ल्यूडिक्रिस बोलते हैं। अगला है एक्सेंट्रिसिटी। अगला है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है बहुत ही ऑड बिहेव करना, बहुत ही अजीब सा बिहेव करना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट है उसका नॉर्मल सी, बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करना, ठीक है। जब आप बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करते हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल सी। ऑलराइट, अगला आपका क्या है? अगले हैं, ये हैं हमारे सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स में हमारा फर्स्ट है एल्यूड। फर्स्ट है एल्यूड। एल्यूड का मतलब है जब आप कहीं से भागते हो और आप पकड़े नहीं जाते हो, बिना पकड़े भागने को बोलते हैं एल्यूड, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है एस्केप, ठीक है। ऑपोजिट है एस्केप। ऑपोजिट क्या है? एस्केप, सॉरी ऑपोजिट बोल रही हूँ, सिनोनिम है आपका इसका एस्केप। अब एल्योर का मतलब है ब्यूटीफुल, कुछ बहुत ही खूबसूरत। डिसीव का मतलब है कि झूठ बोलना, धोखा देना। एंड लीव का मतलब है निकल जाना, है ना। अगला है आपका प्रीमोनिशन। अगला है आपका प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब है समथिंग हैपनिंग इन द फ्यूचर, कुछ ऐसा जो आपको फ्यूचर में होने वाला है, कुछ ऐसा मतलब एक ऐसी फीलिंग आना कि कुछ खराब होने वाला है आपके साथ, है ना, आपके साथ कुछ खराब होने वाला है, ऐसी फीलिंग जब आती है तो उसको बोलते हैं प्रीमोनिशन, ठीक है। और इसका इसका सिनोनिम क्या है? फोर वार्निंग, मतलब पहले ही वार्निंग आ जाती है, आपको फील होता है कि यार ये कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ आगे। ऑल राइट, ओके। इनसाइट का मतलब क्या है? इनसाइट मतलब कोई भी चीज में थोड़ी गहराई में जो है आपको चीजें समझ में आए। अगला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी चीज का भरोसा ना होना कि क्या कैसे हो जाए। ऑलराइट, ओके। अगला डेरोगेटरी। अगला है आपका डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। डेरोगेटरी का मतलब है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी चीज की कम रिस्पेक्ट होने को बोलते हैं डेरोगेटरी। और आपका उसका सेम मीनिंग है डिस्पराजिंग का, ठीक है। डिस्पराजिंग का मतलब है बहुत ही कम
किसी को रिस्पेक्ट करना, बहुत ही कम किसी के लिए रिस्पेक्ट होना। ऑलराइट, अगला है आपका नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या है? नोमैडिक का मतलब है कि यहाँ से वहां घूमते रहना। पहले के लोग जो है नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। पहले क्या होता था कि लोग जो है खेती बाड़ी परिवार सब कुछ जो है वो ऐसे इधर कभी अभी इधर रह रहे, और इस इधर रहने के बाद जब वहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ के फील्ड्स खत्म हो गए, खाना अनाज खत्म हो गया, तो वो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो अपने जो है घर प्रॉपरली नहीं बनाते थे, वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। उसी का सिनोनिम है वॉन्ड्रिंग। ठीक है, अगला है आपका रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है कि बिल्कुल भी शांत ना बैठना, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना। ऑलराइट, उसका सिनोनिम है आपका रेस्टलेस। ठीक है, अगला है आपका इरोनियसली। ठीक है, आपका अगला है इरोनियसली। इरोनियसली का मतलब क्या है? इरोनियस का मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाना। ठीक है, गलतियां हो जाना, और उसका सिनोनिम है रॉन्गली। ठीक है, उसका सिनोनिम है रॉन्गली। अगला है आपका एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड यूज करते हैं हम यूजुअली पति पत्नी के लिए, एस्ट्रेंज्ड यूज करते हैं जो होते हैं सेपरेटेड, जो सेपरेटेड होते हैं। एस्ट्रेंज्ड आप ऐसे लोगों के लिए यूज करते हो, ऐसे चीजों के लिए यूज करते हो जो एक दूसरे से अब बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपका आंसर सेपरेटेड। ऑलराइट, अगला है आपका कैपिटुलेट। अगला है आपका कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब है जब आप एक्सेप्ट डिफीट डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हो, तो हम जो है उसको कैपिटुलेट बोलते हैं, कि मतलब आप जब हार मान जाते हो उसको कैपिटुलेट बोलते हैं, और उसको ही इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर करना। ऑल राइट, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सरेंडर करना। अब इसका प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब क्या है? प्रोपिशिएट का मतलब है पीस बनाना, है ना, किसी के साथ जो है शांति बनाए रखने को जो है हम प्रोपिशिएट बोलते हैं। और आपका कॉन्फॉर्म का मतलब है कि कोई भी रूल फॉलो करना, फॉलोइंग रूल्स, है ना। कॉन्फॉर्म का मतलब है फॉलोइंग रूल्स, रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना। अपीस का मतलब है शांति बनाए रखना। ठीक है, बिल्कुल काम रहना। अपीस का मतलब है शांति बनाए रखना। आपका आंसर हो गया सेकंड। ऑल राइट, अगला है आपका सेरेमोनियल। सेरेमोनियल हम यूज करते हैं जब आप जो है किसी रिलीजन से रिलेटेड रिचुअल्स करते हो, प्रथाएं करते हो, तो उसको हम जो है सेरेमोनियल बोलते हैं। फॉर्मल इवेंट्स जो होते हैं जहाँ पे कोई भी धर्म से रिलेटेड, आपके बिलीफ से रिलेटेड आप कोई प्रथाएं करते हो, फॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मली जब आप किसी चीज की प्रथाएं कर रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं सेरेमोनियल। ऑलराइट, ये थे आपके आज के 30 सवाल, और बहुत ही क्विक हमने जो ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अब आप क्या करोगे? आपका यही काम है कि आप इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा रिवाइज करो। रटना नहीं है, रटोगे तो दिक्कत आएगी, सो मत रटिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑलराइट, रिविजन करते रहिए, विद इन नो टाइम जो है आपको अपने अंदर खुद ही जो है डिफरेंस जो है महसूस होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको पहले से ज्यादा वर्ड्स जो है समझ में आ गए हैं, आपकी वोकैबुलरी जो है बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच।